निरीक्षक राहुल लोढ़ा ने पुलिस लाइन का दौरा किया। सुबह सवेरे ही वह पुलिस लाइन में पहुंचे, समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली, दिशा निर्देश दिए, कहीं भी गंदगी दिखाई ना दे और साथ ही बार बार इसकी सफाई भी की जाए। पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन में निवास कर रहे पुलिस कर्मियों के बारे में भी पूछताछ की एवं जल्दी निराकरण के लिए आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में कोई भी समस्या निवारण शिविर नहीं लगाया जा रहा था। वहीं कई घरों में बारिश का समय पानी भी टपकता था एवं अन्य समस्याएं भी यहां पर चली आ रही थी, जिसकी तरफ किसी भी अधिकारी का कोई भी ध्यान नहीं था। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने आते इस बारे में सबसे पहले सोचा। तो अपनी पुलिस लाइन कहां पे थी पहले? अपनी सर इस लाइन में। इस लाइन तो ये मतलब अपनी ये जमीन है पूरी की पूरी। हाँ, ये जमीन थी तो यहाँ पर जब नए नए क्वार्टर बनते गए तो बनवाते गए सर। अभी और भी कुछ अपनी पुलिस की जमीन बाकी है इसमें? ये तुम्हारा जो तुम्हारा इसी यही पे है क्या? इसमें ये वाला तो इशू सॉर्ट आउट ही है बेसिकली, बस वो टेंडर का काम शुरू। और इनकी मेन जो पाइपलाइन का था उसका भी अलग से 800 मीटर की पाइपलाइन डलनी है। चेंबर है मतलब पूरा की पूरा ही नया बनेगा जब टेंडर निकला है उसका इतना लंबा। बस सर अच्छी बात ये है कि यहाँ सारे पार्षद अध्यक्ष मिल के काम करते हैं। 12 युवा मुझे एक बात बताना है इसके अंदर कि भाई एक तो तुम्हारे वो ये जो है ना ये ब्लॉक इसमें कितने घर हो जाएंगे कुल मिलाकर? टोटल 24 है सर। ये 24 घर 12 उधर 12 इधर। अब ये वाले कितने हैं? ये सर 12 यहाँ पर। आज मेरी बात करवा देना।